history does not remember blood. It remembers names. अब देखो पहली अपडेट है शमशेरा मूवी से, क्योंकि रिसेंटली यहाँ से इसकी ऑफिशियल रन टाइम को रिवील कर दिया गया है, जो कि है 2 hours 38 minutes and 43 seconds, यानी कि 2 hours 38 minutes 43 seconds. इसका फर्स्ट हाफ है 1 hour 27 minutes 12 seconds का और सेकंड हाफ है 1 hour 11 minutes 31 seconds का, यानी कि अच्छी खासी लंबी मूवी है ये. और हाल ही में इसका ऑफिशियल ट्रैक भी आ चुका है जो कि वाकई ऑसम लग रहा है. बाकी आप में से कौन कौन इसके लिए वेट कर रहा है प्लीज कॉमेंट #शमशेरा. मूवी आने वाली है 22 July 2022 को इन थिएटर्स. अब अगर बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन के बारे में, तो रिसेंटली यहाँ से कुछ ऑफिशियल फर्स्ट लुक्स को रिवील किया गया था, जिनका ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना. पर एक और लुक बाकी रह गया था जो कि है सर हेरोल्ड वेस्टरलिंग का, जो कि असल में किंग्सगार्ड थे किंग जोहरिस के एंड अभी है किंग विसायरिस के. शॉर्ट में कहूँ तो ये किंग विसायरिस के बॉडीगार्ड है एंड शो के मेन लीड में से एक भी. और वहीं इस शो के मेकर्स कहते हैं कि इस सीरीज का सबसे बड़ा रोल है राइनरा टारगेरियन का, जो कि प्ले किया है एमा डार्सी ने. अब राइनरा के बारे में बेसिक कहानी ये है कि ये बड़ी बेटी है किंग विसायरिस टारगेरियन की एंड ये शादी करती है अपने अंकल प्रिंस डेमन टारगेरियन से. और जब किंग विसायरिस ये अनाउंस करते हैं कि राइनरा उनकी अगली वारिस होगी, यानी कि वही इस गद्दी पर बैठेगी, तब जाकर कहानी में कॉम्प्लेक्सिटीज आना चालू होती है. शॉर्ट में कहूं तो राइनरा बिल्कुल आर्या स्टार्क की तरह है, या फिर कह सकते हैं कि आर्या स्टार्क राइनरा की तरह है. और वैसे भी ये शो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि इट्स फुल्ली ग्रे, यानी कि सब अच्छे हैं और सब बुरे भी हैं. और बाकी जल्दी आपको इस शो का ऑफिशियल फुल लेंथ क्लिप भी देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप में से कौन कौन वेट कर रहा है प्लीज कॉमेंट #HOD trailer. वेल अगर बात करें जॉन स्नो की स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में, तो रिसेंटली ऐसी अपडेट निकल के आई है कि जॉन ब्रैडली, जो कि इससे पहले गॉट में सैमुएल टार्ली का रोल प्ले कर चुके हैं, तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस शो के लिए कमबैक करेंगे, तो उनका रिप्लाई हाँ तो नहीं था बट ना भी नहीं था. वो सिंपली कहते हैं कि मैं एक बार देखना चाहूंगा, जो कि क्लियरली इस बात की ओर हिंट करता है कि वो कमबैक कर सकते हैं, एंड अगर वो करते हैं तो प्रोबेबली और लोग भी करेंगे. और बाकी आप में से कौन कौन इसे देखने के लिए वेट कर रहा है, तो नीचे #JonSnow कमेंट करना मत भूलना. अब देखो अगर बात करें HBO Max इंडिया लॉन्च के बारे में, तो रिसेंटली मैंने आपको ऐसी अपडेट दी थी कि WBD ने एशिया में अपनी टीम को अनाउंस कर दिया है, जिसके बारे में अगर जानना है तो ये वीडियो चेकआउट कर लेना. बट अब ऐसी अपडेट निकल के आई है कि ये लोग इंडिया में भी अपनी टीम को अनाउंस कर चुके हैं, जिस न्यूज को बड़े बड़े आर्टिकल ने भी कवर किया है. और बाकी इनके टीम मेंबर्स के नाम है रुचिर जैन, जो कि संभालेंगे हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, तनस मेहता सेल्स को, उत्तम पाल सिंह किड्स क्लस्टर को एंड साई अभिषेक फैक्चुअल एंड लाइफस्टाइल क्लस्टर. और इन सभी को लीड करेंगे अर्जुन नुवार, जो कि इंडिया में HBO Max के GM है, यानी कि जनरल मैनेजर. और बाकी जिन ब्रांड्स को ये लोग इंडिया में मैनेज करेंगे उनके नाम है डिस्कवरी, HGTV, यूरोस्पोर्ट, कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिस्कवरी किड्स, DC एंड डिस्कवरी प्लस. अब अगर बात करें इसके इंडिया लॉन्च के बारे में, तो सैडली अभी तक ऑफिशियल डेट को कन्फर्म नहीं किया गया है, पर ये चीजें इस बात की ओर हिंट करती हैं कि HBO Max जल्दी इंडिया के अंदर भी आ जाएगा. बाकी आप में से कौन कौन इसके लिए वेट कर रहा है, तो नीचे #HBO Max India कमेंट करना मत भूलना. और फ्यूचर में इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. तो बस फिर आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप में से कुछ लोग तो करते हैं और कुछ नहीं करते. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत.